अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर, आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। और सामेईन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफ़र जानने की कोशिश करते हैं। और यकीनन हम सब लोग जानते हैं कि ये तमाम ब्रांड्स मुख्तलिफ कामयाबी के मरहलों से गुजर कर आप तक पहुँचते हैं, और यकीनन हम बहुत ही आराम से अपनी शौक और शौक के मुताबिक अपने किसी भी मोहल्ला स्टोर या सुपर मार्केट्स और ऑनलाइन बाइंग और आराम से जाके अपनी मर्ज़ी से ये ब्रांड्स ख़रीद लेते हैं। और यकीनन ये तमाम ब्रांड्स हमारी ज़िंदगी का फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के दौर में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और ज़िंदगी के हर शोबे में मुकाबला बहुत अरूज पे है, ऐसे में लीडर्स, सनतकार, बिजनेस अफराद अपनी मसनूआत, खिदमात अंजाम और ब्रांड्स को यकीनन तरक्की देने के लिए हर वक्त नए और मुनफरद तरीके ढूंढने में मसरूफ़ रहते हैं। सामीन, आज का हमारा ब्रांड बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त है। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान जो है वो जायके का मोहताज है, और उसके लिए वो बहुत ही मज़े मज़े के खाने खाना चाहता है, कभी तीखा का खाना, कभी नमकीन, कभी चटपटा, और फिर यकीनन ये तमाम खाने आपके मुंह में एक जायका छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद आप चाहते हैं कि जैसे आप ख़ुद सुबह सुबह उठ के फ्रेश फील करना चाहते हैं, आप अपने मुँह के जायके को भी हमेशा तरोताज़ा फील करना चाहते हैं। और फिर इसके साथ साथ आज सामीन बात करेंगे मज़ेदार मंचिंग हैबिट्स के बारे में भी, क्या क्या मंचिंग की चीज़ें जो हम खाना चाहते हैं। इसीलिए आज का ब्रांड हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, मिस्टर औरंगज़ेब शेख, हीज़ एसोसिएट ब्रांड मैनेजर शाही ग्रुप। और यकीनन शाही ग्रुप का नाम सुनते ही हमें हमारे जहन में शाही मेवा, शाही डिलक्स और बल्ले बल्ले ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम औरंगज़ेब, वेलकम टू माई शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। वालेकुम अस्सलाम अंबर, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर एंड टू डिस्कस अबाउट माय ब्रांड विद द कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स। जी औरंगज़ेब, हमेशा मेरा पहला सवाल अपने गेस्ट से यही होता है कि जब भी हम कोई ब्रांड बनाते हैं, सारे एक बहुत सारे फेजेस से गुजर कर तरक्की करता है ब्रांड, तो किसका क्या सोच होती है, एक विजन होता है, कोई ऐसी एक मेन सोच वाला बंदा होता है जो उसको लेके चलता है, और यकीनन इट्स अ टीम वर्क। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने ब्रांड की हिस्ट्री के बारे में हमें बताएं, कौन लोग थे, किसने शुरू किया ये तमाम चीज़ें। बिल्कुल, यूजली होता है ये कि ब्रांड जितने भी आपको नज़र आते हैं तो उसके पीछे एक ब्रेन होता है जो ये सारी चीज़ें प्रोसेस उसके बारे में सोचता है। बट इन केस ऑफ शाही ग्रुप, इसके पीछे दो ब्रेन चाइल्ड हैं, एंड हमारे चेयरमैन साहब मिस्टर गयासुद्दीन शेख एंड मिसेस सरवर पेशमाम, ये दो जो हैं पार्टनर्स हैं जो कि एक लेगेसी कैरी कर रहे हैं शाही की सिंस 1973। और फॉर्चुनेटली फॉर शाही, सबसे पहला जो कस्टमर था शाही का, दैट वॉज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिन्होंने जो है वो शाही सुपारी जो उस टाइम के ऊपर होती थी वो अपनी फ्लाइट्स में जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर एज अ सौगात और ट्रेडिशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सर्व करना स्टार्ट की थी। उसके बाद चेयरमैन एंड एम डी हैज नेवर लुक बैक एंड वी आर ग्रोइंग मोर एंड मोर डे बाई डे, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल औरंगज़ेब, यकीनन एक छोटी सी कोशिश होती है और एक लगन होती है जिसके बाद फिर आप आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा सामीन, इसके साथ साथ हम आज हमेशा की तरह, जिस तरह हम अपने शो में क्विज रखते हैं, तो मैं अपना आज का क्विज भी साथ साथ औरंगज़ेब अनाउंस करती जाते हैं ताकि फिर हम जब आगे बढ़ें तो लिसनर आखिर तक उनको सुनना है इसका जवाब देने के लिए। सामीन, आज का हमारा क्विज है कि जो हम आज बात करें, दो प्रोडक्ट्स बल्ले बल्ले और शाही मेवा, अगर हम शाही मेवे की बात करें तो इन दोनों में से आपने इन दोनों के हमें वेरिएंट्स बताने, बल्ले बल्ले के, बल्ले बल्ले के वेरिएंट्स, कोई भी एनी थ्री वेरिएंट्स ऑफ बल्ले बल्ले। आई एम श्योर कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो बल्ले बल्ले डेफिनेटली खाते होंगे, और तीन वेरिएंट्स बल्ले बल्ले के, और आई गेस प्रोडक्शन पीछे जो है उन्होंने भी इशारा किया कि हाँ मैं बहुत शौक से खाता हूँ। एंड इसके अलावा जो है शाही मेवा के अंदर इंग्रेडिएंट्स, कोई भी तीन इंग्रेडिएंट्स के नाम जो है
वो बता दें। और सामीन आपको हमें कैसे बताना है बताने की ज़रूरत नहीं, आप हमेशा हमें कॉल भी कर सकते हैं हमेशा की तरह 0021111005 पर, और आप हमें फेसबुक पे भी जाइए, हॉट एफ एम 105 का फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहाँ हमें आप लाइव देख भी सकते हैं और वहाँ आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, फिर आगे जाके दोबारा से क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। अच्छा औरंगजेब, अगर बात करें आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं शाही के जो आपका पूरा एक बुके है शाही प्रोडक्ट्स का, तो उसका मेन सप्लाई आपकी सौंफ और उसकी बात करें तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। देखिए शाही कॉर्पोरेट ब्रांड के अंडर जो है वो मेन डिवाइड हुआ है इन थ्री डिफरेंट कैटेगरीज, देयर इज अ माउथ फ्रेशनर कैटेगरी, देयर इज अ निम्को कैटेगरी एंड देयर इज अ स्नैक्स कैटेगरी। इन माउथ फ्रेशनर्स कैटेगरी वी हैव शाही डिलक्स, शाही मेवा, शाही आसपास, शाही इलायची, शाही सुपरमेंट एंड शाही क्लासिक। अपार्ट फ्रॉम दैट निम्को कैटेगरी के अंदर वी हैव टू मेजर निम्को ब्रांड्स कैटरिंग टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट, वन इज द होम कंजम्पशन एंड फॉर दैट हमारे पास शाहीन निम्को है, एंड फॉर वन टाइम ऑन द गो निम्को कंजम्पशन के लिए हमारे पास बल्ले बल्ले है। एंड इन स्नैक्स हमारे पास फ्रायो है, आई एम श्योर बच्चों का वन ऑफ द फेवरेट स्नैकिंग जो है पार्टनर है उनका फ्रायो एंड पॉप स्टार एंड वी टू एज वेल, विच इज ऑल थ्री आर बेस्ड ऑन द नेचुरल एक्सक्लूडेड इंग्रेडिएंट्स लाइक पोटैटो पेलेट्स, पॉप्स कॉर्न एक्सक्लूडेड एंड वीट जो है वो वीट एक्सक्लूडेड। सही। अच्छा अगर हम और शाही हम एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे, अगर हम माउथ फ्रेशनेस की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि लोग खाना खाने के बाद या एक ज़रूर मुंह में डालना चाहते हैं कोई भी माउथ फ्रेशनर, और क्या इसका माउथ फ्रेशनर क्यों खाना चाहते हैं, इसकी क्या वजह होती है, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे घरों में कोई भी इवेंट है ठीक है तो इसके बगैर पूरा नहीं है, हर शादी के फंक्शन में और स्पेशली जब वो निकाह की बिद बनती है तो उसके अंदर तो डालना मस्ट है, वो बिल्कुल ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी है। और इसी चीज़ को मैं अगर डिफाइन करूँ तो अच्छा सॉरी मैं इस पर आपकी बात काट रही हूँ, एक छोटा सा हमारे पास टाइम चेक है ठीक है, टाइम चेक पे सामीन रुकना बहुत ज़रूरी है, सामीन आप हमारे क्विज का जवाब भी दे सकते हैं, बल्ले बल्ले के कोई भी थ्री वेरिएंट्स के नाम हमें बताने हैं और आपने शाही मेवा के कोई भी तीन इंग्रेडिएंट्स के नाम हमें आप बताइए, और कॉल भी कर सकते हैं इसके लिए 1111005 पर, मैसेज भी भेज सकते हैं, फेसबुक पर जाइए और वहाँ अपना पैगाम भेज दीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में। सामीन आप हमारा ये शो हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। आज हमारे शो में मौजूद है मिस्टर औरंगजेब शेख, एसोसिएट ब्रांड मैनेजर शाही ग्रुप, और हम आज बात कर रहे हैं जी यकीनन माउथ फ्रेशनर तो ज़रूरी है लेकिन हेल्दी मंचिंग, औरंगजेब हम ये भी बात करेंगे कि हेल्दी मंचिंग कितनी ज़रूरी है, दिन के मुख्तलिफ वक्तों में हमें भूख लगती है तो हेल्दी मंचिंग क्या कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका जवाब भी देते हैं और साथ साथ एक कॉल भी ले लेते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? खट्टा साइड से। जी सफिया, आप हमारे क्विज का जवाब देना चाहेंगी? हाँ, वो सौंफ कोबरा और खजूर होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, और बल्ले बल्ले के कोई तीन वेरिएंट्स बता दें जल्दी से। बल्ले बल्ले की उसमें भी वो देना जिनको होता है ना वो
चाट मसाला तो लग नहीं, नहीं 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 निम्को के इंग्रेडिएंट्स नहीं बताने, वेरिएंट्स बताने, कितनी कितनी किस्म की निम्को मिलती है, कौन कौन सी। ठीक है चले जी, बहुत शुक्रिया, आपने वेरिएंट जरूर बताना है और इस पे भी बात करेंगे ताकि लोगों को पता चले कितने वेरिएंट्स हैं। जी हम बात कर रहे थे कि हम क्यों शाही डिलक्स या शाही माउथ फ्रेशनर को क्यों हम हर इवेंट का हिस्सा बनाएं। देखिए कि आप 30-40 साल पहले आप जाएं और आप अगर अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर्स को अगर अपने घर में अगर ऑब्जर्व किया, हमने डेफिनेटली तो वो एक पांडान रखा करते थे अपने साथ और वो हमेशा खाने के बाद जो है उसको खाया करते थे एज अ डाइजेस्टिव मील। तो वो एक लेगेसी, एक ट्रेडिशन, हमारी रवायत है, एक सौगात है हमारी जिसको शाही ने जो है कैपिटलाइज किया था एंड वी स्टार्टेड गिविंग पैक्ड माउथ फ्रेशनर्स सिंस 1973। और हमारी पहली जो टीवीसी था जो उस टाइम के ऊपर, उस पर हमने यही बताया था कि खाने के बाद अगर कुछ खाने का दिल करे तो शाही सुपारी खाइए। और एक तरह से अब जब चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं और इट इज़ नाउ अ सब्स्टिट्यूट टू द पान, जो पान ईटिंग हैबिट्स होती हैं, और ऑब्वियसली पान एंड छालिया इट्स नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, और उस चीज़ को केटर करने के लिए जो है ये माउथ फ्रेशनर्स आप जो है वो पैक उसमें जो है हम लोग दे रहे हैं। शाही डिलक्स बीइंग वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड ब्रांड ऑफ शाही इज इन द मार्केट, और वो इवन अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हों तो इफ समवन इज ईटिंग पान यू फील प्रॉब्ली डिस्गस्टेड बाय दैट पर्सन। तो बट ऑन द अदर हैंड इफ यू आर ईटिंग अ माउथ फ्रेशनर शाही सुपारी और इवन आस पास और शाही मेवा, you suddenly think of that person as a very well mannered, well gentle person. So obviously kahin na kahin wo aapki personality ko bhi enhance karta hai aur aapke jo ek buri aadat hai paan eating ki ya gutka ki usko bhi avoid karwata hai. Ek call bhi lete hain. Ji assalam alaikum, kaun hai hamare sath call par? Arshad baat kar raha hu, main Hyderabad se. Arshad Hyderabad se. Ji Arshad, बल्ले बल्ले के तीन वो फ्लेवर में है कि एक ग्रीन, रेड और येलो। इनके नाम आप बता दें, ग्रीन, रेड और येलो तो बिल्कुल है। नाम मतलब जैसे रेड में है ना थोड़ा सा तेज है। बस थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का। देखिए आपने हमें ना बताना है कि इसके अंदर थोड़ा सा हम बल्ले बल्ले पे डिस्कस करते हैं। चलिए आपका मोस्ट फेवरेट मोस्ट हॉट प्रोडक्ट इस बल्ले बल्ले, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितने वेरिएंट्स हैं। सामीन आप अगर हमारा आज का शो सुन रहे हैं तो उसको गौर से सुनिए, फिर को इसका जवाब के लिए हमें कॉल करें। बल्ले बल्ले के क्या वेरिएंट्स मौजूद हैं, कितनी कैटेगरीज उसमें मौजूद हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा। बल्ले बल्ले के ओवरऑल 7 वेरिएंट्स हैं। बल्ले बल्ले है क्या चीज़ है? बल्ले बल्ले बेसिकली आप जब भी कभी इन जनरल निम्को की बात करते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो चाय के साथ खाया जा रहा है या वो शाम की चाय है, इस तरह से ज़रूरी नहीं है इसी तरह से सर्व हो रहा। दे आर टू डिफरेंट सेगमेंट्स इन निम्को एज वेल। वन इज़ द होम कंजम्पशन जो कि मेहमानों के लिए आप सर्व करते हैं, आप चाय के साथ रखते हैं। और ऑन द अदर हैंड एक और कैटेगरी, एक और सेगमेंट है विच इज़ ऑन द गो निम्को, जिसको मैं कहूँगा ऑन द गो निम्को, बट इट्स इंडिविजुअल कंजम्पशन पैक निम्को। उसमें बल्ले बल्ले इज द पायनियर एंड द लीडिंग ब्रांड एंड बाय फार वी आर द लार्जेस्ट निम्को मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ, केटरिंग 7 डिफरेंट वेरिएंट्स इन बल्ले बल्ले स्पेसिफिकली। कौन कौन से वेरिएंट्स हैं आपके? इसमें एक मिक्स सेवरी मिक्स है, दाल चना है, दाल मोट है, मंची मिक्स है, सॉल्टेड पीनट्स है, चिली चिप्स है और दाल मूंग है। उफ, इतने सारे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा अहमर अहमर इकबाल का मैसेज है फेसबुक पर कि बल्ले बल्ले निम्को दाल चना दाल मूंग दाल मोट इंग्रेडिएंट्स उसमें बादाम खजूर और मिर्चा। बिल्कुल सही जवाब दिया अहमर आपका, बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तो आप इसका ना मैसेज हमें अपना नंबर भेज दीजिए फेसबुक के ऊपर। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, ये आपके सारे हो गए। अच्छा हेल्दी मंचिंग
कि जहाँ हम बात करते हैं तो यूजली हम देखते हैं कि जी हम निम्को खा रहे हैं या बिस्किट्स खा रहे हैं, तो हेल्दी मंचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? और यकीनन हेल्दी मंच सारा दिन आपके मुख्तलिफ औकात होते हैं खाने के, और यूजली बहुत सारे लोगों को आदत होती है ऑफिस में हम बैठे हुए हैं या घर में भी हैं, मूवी देख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनको एक मंचिंग करने की आदत होती है. तो आज आप क्या समझते हैं हेल्दी मंचिंग क्या होती है? और ज़ाहिर है आपने निम्को का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया, तो हेल्थ रिलेटेड कितना आपने इसका ख्याल रखा हेल्थ ऑफ पॉइंट से इंग्रेडिएंट्स, और इस पर थोड़ा सी बात करते हैं. देखिए बिल्कुल कोई भी स्नैक जो है, ऑल्दो हमारी आदत है कि हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, एंड इन दैट ऑफरिंग्स अ सर्टेन ब्रांड विच डज हैव हेल्दी इंग्रेडिएंट्स इन इट. जैसे बल्ले बल्ले के अंदर जो है, वी मेक श्योर द सेव एंड जो उसके अंदर पापड़ी या सारी चीज़ें यूज होती हैं, दोज आर फ्रॉम द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, बेसन चावल का आटा और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. उसकी वजह ये होती है कि दीज आर द थिंग्स दैट आर बेटर फॉर योर हेल्थ बट नॉट अनहेल्दी. ऑन द अदर हैंड जो आपको यूजली बेकरीज के ऊपर निम्को मिलता है या आपको कोई आई वुड से अनब्रांडेड और लोकल निम्को ब्रांड जो है वो आप मार्केट में देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा होता है. सो वी मेक श्योर के बल्ले बल्ले के अंदर जो है वो ऑयल पिकअप बहुत कम है. अगर मैं उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करूँ तो इट हैज़ 66% लेस ऑयल एब्जॉर्प्शन एज कम्पेयर टू द अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो दूसरे लोग बना रहे हैं निम्को ब्रांड्स को. एंड ऑन द इन स्नैक्स आई वुड से कि हम लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं स्नैक्स के लिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जाने से पहले हम लोग के खुद डिफरेंट ट्रायल्स, स्टेजेस ऑफ ट्रायल्स होते हैं, उससे गुजरता है. उसके बाद जो है वो मार्केट में जाने से पहले हमारे घर में वी मेक श्योर कि जो बच्चा, जो हमारे घर का बच्चा है वो खा सकता है, तो इसका मतलब है सब खा सकते हैं. क्योंकि यूजली आप मार्केट में देखते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट निम्को स्नैक्स ब्रांड्स होते हैं, जो आप अगर उठा के खाएं तो आप अपने बच्चे को ना दें, आप खुद ना खाएं तो आप अपने बच्चे को भी नहीं देंगे. बट वी मेक श्योर के बच्चे इस चीज़ को एंजॉय कर सकें, क्योंकि आप पैसे तो कमा लेते हैं. एंड फॉर दैट शाही हेयर इज नॉट ओनली फॉर मनी, वी आर ऑफरिंग, वी आर कैरिंग अ लेगेसी, वी आर कैरिंग आर सौगात पाकिस्तानी ट्रेडिशंस अलॉन्ग विद अस, एंड वी मेक श्योर दैट we grow and we make sure that our consumers and all over the Pakistan are healthy enough and koi unko koi issue na ho aur koi jo hai unko health related problems na ho. uske liye hum log quality ko bahut different standards se jo hai wo guzar ke finalize karte hain. and even I would say jo fryo hamara snack hai usme we have added vitamin a b and c in it to make sure ki wo bacche ko, kyunki fryo jo slanty shape product hai wo, when we did a research to usme ye hua ki 5 saal ka bachcha ya 3 saal ka bachcha, mothers jo hai कैरी करती हैं अपने बैग में कि कहीं बच्चे को भूख लग रही है कुछ, तो वो इस तरह की चीज़ें देना पसंद करती हैं. तो वी स्पेशली मेड श्योर कि वो चीज़ बच्चे के नुकसान ना दे और उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स और ऐसे चीज़ें हो जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो. तो इन फ्रायो वी मेड श्योर कि उसके अंदर जो है ये विटामिंस ऐड हो, एंड जो हमारे बाकी स्नैक्स हैं पॉपस्टार एंड वीटो, उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो फ्राइड नहीं है, वो बेक्ड है. जो पॉप्स है या तो उसमें ऑब्वियसली ऑयल जो है ना होने के बराबर होता है. तो यस वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ और हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो है क्वालिटी का मार्केट में दें. बिल्कुल, और आई थिंक वही ब्रांड्स कामयाब रहते हैं जो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं. कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम जी, बात कर रहा हूं जी. अहमद क्या हाल है आपके? पूरे पाकिस्तान में है, और जो सवाल ये है कि इस तरह शादियाँ वगैरह भी होती है जो हम खाते हैं सारी वगैरह, ठीक है? और मैंने शाही के सारे प्रोडक्ट खाए.
अच्छा ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं ना? अच्छा तो आप क्या कहना चाहते? अच्छा और कोई सवाल करना चाहते हैं? नहीं बस ठीक है। आई थिंक था कि इसके अंदर छालिया भी होती है। हाँ ये हमारे प्रोडक्ट्स में छालिया बिल्कुल होती थी टिल द टाइम इट वाज अलाउड बाय द गवर्नमेंट। 2018 के अंदर पाकिस्तान में जो है छालिया इंपोर्ट करना इलीगल कर दिया। पहले लीगल था लेकिन उसके बाद इलीगल कर दिया गया। एंड देर आर नो लीगल वे कि आप बीटल नट छालिया जो है ये इंपोर्ट कर सकें। एट दैट टाइम वी डिसाइडेड कि ठीक है इट्स फाइन कि हमारे जो माउथ फ्रेशनर है उसमें से हम छालियाँ निकाल दें। ऑल दो इट डिड इम्पैक्ट अ लॉट ऑन आर सेल्स बट एथिकली वी मेड श्योर कि वो अब नहीं है। अब शाही के किसी भी माउथ फ्रेशनर में कोई भी छालियाँ नहीं है। इट्स समथिंग जो पहले आप सिर्फ बड़े खाया करते थे अब वो बच्चे भी खा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि हार्मफुल हो तो बच्चों के लिए। मेवा तो मैं भी खाती हूँ उसके अंदर बाकी नहीं होता। शाही मेवा में नहीं है। शाही डिलक्स हमारा एक स्टार ब्रांड है जो कि छालिया का सब्सिट्यूट तो ऑब्वियसली पान ईटर्स जो है वो उसको एंड इवन सिगरेट स्मोकर्स जो है वो उसको यूज करते थे लेकिन उसके बाद जब छालिया निकाली गई एंड वी मेड श्योर वी डिड टेंस एंड ट्वेंटीज ऑफ रिसर्च ऑन दैट और कंज्यूमर्स का फीडबैक ये था कि इट्स बेटर कि इसके अंदर अब छालियाँ नहीं है। सो आप अगर देखें तो हमारी जो आवाम है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे आर बीइंग गेटिंग एजुकेटेड एंड दे नो कि व्हाट गुड फॉर देयर हेल्थ और ऐसी चीज अवॉइड करते हैं जो हार्मफुल हो उनके लिए। बिल्कुल। और सामीन आप यकीनन फेसबुक के बहुत सारे जवाब आ रहे हैं इसके के शबीर ने भी जवाब दिया और जो जो लोग जवाब दे रहे हैं प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर ज़रूर शेयर करें अगर वो विन करेंगे तो हम उनको फिर कॉल ताकि आराम से कर सकें। एक और कॉल मौज आ रही है। जी सलाम अलैकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पर? सलाम वालेकुम, मैं सलीम बात कर रहा हूँ। जी सलीम साहब जवाब जी प्लीज़ जवाब दीजिए को इसका। बादाम नारियल किशमिश का वो मिश्री बाकी वो लाल दाने वगैरह होते हैं इसमें और दाल मूंग दाल चना और नींबू। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ये कॉल करने का और अपना मोबाइल नंबर आप हमें भेज दीजिए। 8881 के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाके। 8881 पे मैं भेज देता हूँ। हाँ उस पर भेज दीजिए, मैं तरीका बता देती हूँ अभी। जी आपका तरीका आप सब जानते हैं 8881 पे मैसेज करने के लिए कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, HOT हॉट लिखिए और अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिख दीजिए और यहाँ वहाँ पर सेंड कर दीजिए। सामीन एक छोटा सा टाइम चेक है, टाइम चेक के बाद वापस आते हैं फिर मज़ीद मज़ेदार मज़ेदार बल्ले बल्ले की बातें करेंगे और आपने कहीं नहीं जाना है और फेसबुक लाइव देखते रहिए, फिर हॉट एफएम 105 के पेज को लाइक कीजिए और अगर आज का शो मिस हो जाए तो फिर आप अंबर रजा का यूट्यूब भी सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर भी हम मेरा आप ये शो देख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। 10:30 AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय टोटल रुपया खरीद कर माय मोबाइल टॉप अप और बजरिया कुरानदाजी मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर जीतने का मौका। आइडियाज की ग्रेट समर सेल पर अब एंजॉय करें अर्थ शैटरिंग डिस्काउंट्स 70% तक ऑफ ऑन ऑल योर फेवरेट आइटम्स। जल्दी करें शॉप ऑनलाइन एट gulahmedshop.com और इन स्टोर्स एट gulahmed एंड आइडियाज। अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामेईन आज हमारे शो में मौजूद है मिस्टर औरंगजेब शेख, एसोसिएट ब्रांड मैनेजर शाही ग्रुप और हम आज बहुत ही मज़े की निम्को हेल्दी मंचिंग और उसकी बातें कर रहे हैं सामीन। और आप जानते हैं कि हमारा ये शो स्पेशली उन ब्रांड्स के लिए है जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं। यकीनन हमारा मुल्क
में बहुत हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे मुल्क में हर वो तमाम चीज़ जो हम ख्वाहिश करते हैं वो हमें मिल जाती है, चाहे हम खाने की ब्रांड की बात करें, चाहे हम कपड़ों की ब्रांड की बात करें। अब तो हमें लगता है कि ज़िंदगी की हर चीज़ किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है। क्या ख्याल है इसके बारे में आपका औरंगज़ेब, के ब्रांड्स हमारी ज़िंदगी में कितना हमारी ज़िंदगी उससे मुतासर होती है, मतलब हम उसके बगैर अब नहीं रह सकते ब्रांड्स के बगैर? तो हम ब्रांड्स के बगैर इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि आप कोई भी चीज़ उठाएं, कोई भी नेसेसरी या आपकी कोई भी नीड है वो ब्रांडेड है। पानी से लेके जो है आपकी, इवन अब घर मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी जो घर डिज़ाइन होते हैं वो तक जो है वो डिज़ाइनर और ब्रांडेड जो है वो कंपनीज जो है वो डिज़ाइन करती हैं, बनाती हैं। तो कहीं आप बच नहीं सकते अब ब्रांड से। तो आपकी डेली रूटीन के अंदर आप इतना ध्यान भी नहीं दे रहे होते, बट यू आर कंज्यूमिंग डिफरेंट ब्रांड्स इन योर डेली रूटीन। बिल्कुल, अब तो हम हर चीज़ के लिए हमें ब्रांड की जरूरी नहीं है कि सिर्फ खाना पीना ही एक ब्रांड है। मुख्तलिफ सर्विसेज, ऑनलाइन बाइंग, अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें औरंगज़ेब के मतलब ऑनलाइन दर्जी भी अवेलेबल मौजूद है, यकीन है ना, ऑनलाइन मैकेनिक्स अवेलेबल हैं आपके। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल आप ठीक है। कॉल भी लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पर? कौन बात कर रहा है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं हमदा नजर बात करना चाह रही हूँ। मेरा एक फेवरेट है शालीमार शाही का एक सॉन्ग, मैं वो सिंग करना चाह रही हूँ प्लीज। शाही का सॉन्ग है, अच्छा कौन सा सॉन्ग है आप सिंग करना चाह रही हैं प्लीज? जी मैं सुनाना चाह रहा हूँ। कुछ ख्वाब बदलती तो क्या। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत ही अच्छी सी आवाज़ है आपकी और आप हमारे को मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद था तो मैं इसलिए मैंने सिंग किया और इस क्वेश्चन का आंसर देना था। हम तो लतीफ़ बात कर रही हूँ जी। क्वेश्चन का आंसर है कि आपका जो प्रोडक्ट है आस पास है साइड लगता है माउथ फ्रेशनर है, इसके अलावा बल्ले बल्ले के वेरियंट में है दाल मोट मिक्स चिवड़ा मिक्स नीमको कराची नीमको भी शामिल है। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का। जी नंबर आपको मैं SMS कर, आप SMS कर दीजिए 888 के ऊपर कर दें या फेसबुक पे भेज दीजिए। मैं विश करूंगी मुझे हर किस मिलता है। बिल्कुल ठीक है, और ब्रांड्स अनलिमिटेड सामने लिखना ना भूलिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे शो के जवाब है। थैंक यू सो मच जी। जी सामीन, अभी स्पेशली गाना इन्होंने शाही के लिए गाया था लेकिन वो शाही का नहीं, शाही का था नहीं लेकिन उन्होंने आवाज अच्छी थी उनकी। बिल्कुल जो है, बहुत शुक्रिया आपका गाना हमें सुनाने का। और अच्छा MSG बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड किया जाता है टू एनहांस द फ्लेवर, तो इस पे हम अगर बात करें तो हम इससे दूर हैं शाही प्रोडक्ट से? हम इससे बिल्कुल दूर हैं। हम लोग कोशिश बिल्कुल करते हैं कि ऐसी चीजें ना बनाएं जिससे जो है वो पहली चीज के ये ऐड हो, ठीक है, और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें ये ऐड होना ज़रूरी है तो वी मेक श्योर कि उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ हो, और हम लोग इसको स्ट्रिक्टली जो है वी मेक श्योर कि MSG जो है वो इवन हमारे पैक्स के ऊपर भी इट्स रिटन देयर इज़ नो MSG एंड डिफरेंट हमारी फूड अथॉरिटीज़ जो है उसको वेरीफाई भी किया हुआ है कि हाँ ठीक है फाइन वी आर नॉट यूजिंग, क्योंकि यूजली जो है ये स्नैक्स के अंदर ज़्यादा यूज़ हुआ और होता है, तो यस वी आर MSG फ्री। बिल्कुल अच्छा, अगर हम बल्ले बल्ले की मैं बात करूँ तो उसकी पैकिंग मैंने देखा है कि 5-10 रुपए में भी अवेलेबल है, तो कोई खास इसकी वजह है कि इतनी स्मॉल पैकिंग की क्या खास वजह है इसकी? देखिए हमारे जो कॉर्पोरेट एक पर्पस है ब्रांड का, वी बिलीव दैट क्वालिटी इज एवरीवन्स राइट। बिल्कुल ठीक है कि जरूरी नहीं है जो चीज़ महंगी है वही जो है क्वालिटी वाली हो, एंड हम लोग इस चीज़ के लिए हर दिन कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट इस प्राइस पॉइंट के ऊपर निकालें कि और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों जो कंज्यूमर चाहे वो 5 रुपए का ले या 10 रुपए का ले 20 रुपए का ले या हमारा 100 वाला शाही रिमको ले, वी मेक श्योर कि उसमें क्वालिटी एक जैसी हो, उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स डिफरेंशिएशन ना हो। सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो बल्ले बल्ले के 5 रुपए वाले पैक के अंदर हैं और सेम इंग्रेडिएंट्स उसी स्टैंडर्ड्स के यूज़ होते हैं जो शाही निम्को 100 रुपीज़ का है, तो इसमें जो है वी मेक श्योर कि कोई डिस्टिंग्विश या कोई एक आप महंगा दे रहे हैं तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, आप सस्ता दे रहे हैं तो क्वालिटी ख़राब होगी, इसका बिल्कुल भी हम लोग
सपोर्ट नहीं करते. इवन माउथ फ्रेशनेस के अंदर जो हार्डली आपको 2 रुपए के अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स शाही मेवा जो हमारा ब्रांड है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हमारे मुल्क के लिए. बहुत सारे ऐसा तबका भी मौजूद है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए इन दोज सर्टेन एरियाज जो है वो हम लोग मेक श्योर कि उनको भी वो चीज़ें मिलें. और शाही मेवा इवन 2 रुपए के अंदर आपको इंग्रेडिएंट्स लाइक बादाम, मिश्री, छुआरा, सौंफ, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है किसी कंपनी के लिए भी देना. लेकिन हम लोग भी मेक श्योर कि हम लोग अपनी आवाम को वो चीज़ दें जो कि उनके लिए क्वालिटी अफोर्डेबल भी हो और क्वालिटी में भी मिले. बिल्कुल आप सही करें कि अगर हम अच्छे बड़े ब्रांड्स की बात करें, नाम नहीं लेते, लेकिन ज़ाहिर है हमारा वो तबका जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन वो ब्रांड वो भी खाना चाहता है. दिल तो हर किसी के पास है, हर कोई अपनी पसंद की चीज़ खाना चाहता है. लेकिन स्मॉल पैकिंग्स रियली हेल्प, जो स्मॉल आपके यूनिट्स होते हैं वो आपको यकीनन हेल्प करते हैं कि वो कम कीमत पे भी लोग उसको मजा उसका चख सकते हैं. बिल्कुल ऐसा है. अब जो अगर आप थोड़े से एरियाज में जाएं जहाँ पे स्कूल गोइंग बच्चे हैं और उनको जो अपनी पॉकेट मनी जो है वो 5, 10 रुपए, 20 रुपए मिलती है, तो अब अगर उसके अंदर एक चिप्स का पैकेट या इस तरह की चीज़ें, बिस्किट जो है वो 15-20 रुपीज़ का मिले, तो ऑब्वियसली वो बच्चा है, उसको जो है वो अपने उस बजट के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाने का जो है दिल करता है. वो एक चीज़ खा के पूरे दिन जो है वो ये तो नहीं कर सकता कि मैं कुछ और नहीं खा सकता, तो उसके लिए जो प्राइस पॉइंट 5 रुपीज़ जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है. और वो इवन फॉर इंस्टेंस अगर 5 रुपए का बल्ले बल्ले ले रहा है तो 5 रुपए का वो पॉप स्टार भी ले सकता है, वो 5 रुपए की कोई और टॉफीज ले सकता है. तो इसलिए जो है ये 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ के जो है वो प्राइस पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं. एक और कॉल लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं महविश बात कर रही हूँ, कैसी हैं अंबर जी? महविश मैं ठीक हूँ जी. महविश कुछ जवाब देना चाहिए गेस्ट को भी. मैं सलाम करती हूँ. वालेकुम सलाम. ये लोग ये आए हैं आपके शो पे. अच्छा पहले तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ कि मेरा बेटा जो है वो शाही मेवे का बहुत शौकीन है, लेकिन करे मैं उसके लिए अलग से मंगवा के रखती हूँ, लेकिन जब उसके खत्म हो जाते हैं ना तो जो मैं छुपा के रखती हूँ ना वो भी खा लेता है. वेरी नाइस. तो ये शाही मेवा मेरे पता इतने अच्छे उन्होंने इनके रखे हैं, मतलब चीजें कि बच्चों के लिए हेल्दी थी, मतलब दिमाग के से भी और आंखों के हवाले से भी. बिल्कुल बहुत अच्छा है जी. मैं आपको मना नहीं करती, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं तुम खा लो. जी जी. अच्छा मैं आपको आंसर देती हूँ. ये दाल चना, दाल मूंग एंड दाल मूंग. ठीक है. और इंग्रेडिएंट्स फेसबुक पे मैसेज भी कर दिया ना अपना मोबाइल नंबर? जी जी मैंने कर दिया. जी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का. और यकीनन ये जो कॉलर्स हैं, ये जो सामीन हैं, ये हमारे इस शो का रौनक है. और आप इसी तरह कॉल हमेशा करते रहिए. अच्छा अगर हम बात करें COVID-19 पे, ठीक है, COVID-19 पेंडेमिक ने यकीनन हम अभी भी हम इससे लड़ रहे हैं, अभी तक हम इससे बाहर नहीं आ सके. लोगों को बहुत अफेक्ट किया, लोगों की यकीनन जान तो इसने ली, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं इकॉनमी, ब्रांड, ये सारे बहुत अफेक्ट हुए. ठीक है, किसी ने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया और कुछ लोग डर गए इससे. तो आपके ब्रांड ने COVID-19 को कैसे लिया और किस तरह इन सारे पेंडेमिक को कैसे फेस किया, कैसे आपकी टीम वर्क ने काम किया, आपकी सेल्स को गिरने नहीं दिया, इस पर किस तरह आपने सर्वाइव किया, इस पर मैं जानना चाहूँगा. देखिए ऑब्वियसली कोविड पेंडेमिक जो है उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ, ओवरऑल ग्लोबली जो है काफ़ी अफेक्ट हुआ था. और हमारे लिए जहाँ एक सेटबैक था वहीं पे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी थी एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली जब मार्केट से जो है वो अगर आपको याद हो लास्ट डे जब लॉकडाउन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था तो लोगों ने एक्सेस बाइंग की थी, जिसकी वजह से एक एरिया काफ़ी एक गैप आ गया था जिसकी वजह से लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही थी. और वो ऑब्वियसली एक डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल इकोनॉमी का एक इकोनॉमिक्स का रूल है कि जहाँ आपकी जो है वो डिमांड जो है वो तभी बढ़ती है जब सप्लाई जो है वो कम हो जाती है. तो ऑब्वियसली एज एन इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड वी अवेल्ड इट. हमने अपनी जो हमारी सेल्स टीम है ऑल ओवर पाकिस्तान, उन्होंने इस चीज़ पे उस टाइम के ऊपर काफ़ी एफर्ट्स किए कि एनी वन प्रोडक्शन टीम जो फैक्ट्री में बना रहे हैं, वी मेड श्योर कि हम लोग जो है जो डिमांड क्रिएट हो रही है उसको हम मैक्सिमम जो है उसको थ्रू आर सप्लायर जो है उसको फुलफिल कर सकें. एंड वो एक पोजीशन थी कि जहाँ पे कंपनीज को बहुत नुकसान हो रहा था या उनकी फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, वी मेड श्योर कि हम लोग उस चीज़ को बहुत
पॉजिटिवली यूटिलाइज करके अपने ब्रांड को, अपनी कंपनी को जो है एक स्टेबल पोजीशन पे उस टाइम के ऊपर भी रखें. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड ग्रेट. एंड क्योंकि कोविड चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, और अब लास्ट ईयर से आपने देखा होगा कि इवन जो मार्केट्स हैं, जो ई कॉमर्स ऑनलाइन पोर्टल्स थे हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं. एंड उस चीज को सोशल मीडिया की अवेयरनेस और उस पे भी कुछ रोशनी डाली कि सोशल मीडिया पे वाकई ही बूम देखा गया कोविड-19 में. तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया का रोल कैसा रहा? आई वुड से सोशल मीडिया नहीं, ओवरऑल डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है. और जहाँ पे जो चीजें जो है वो आप अगर एक छोटी सिंपल सी चीज लें, फेसबुक जो है पाकिस्तान में जो है वो और ऑल ओवर पाकिस्तान काफ़ी यूज़ किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है उसकी जो रिसर्चेज आई थी उसके अंदर ये था कि लोगों ने जो यूजली यूज़ करते थे फेसबुक, उन्होंने 3 times ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. तो घर पे बैठे हुए थे ज़्यादातर लोग, जो बाहर नहीं जा सकते, बच्चे हैं, औरतें थी घर की, इवन आदमी जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है घर पर ही थे, तो उनको एक एक्सप्लोर करने की चीज मिली. एंड वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई फॉर द ई कॉमर्स कंपनी एज वेल एज जो क्लाइंट्स थे उनके लिए एक मिल गया कि हाँ यार, अगर ये घर पे बैठे हुए हैं तो व्हाई नॉट प्रोवाइड देम आर ब्रांड, आर प्रोडक्ट्स टू देम एट द डोर स्टेप. और इसके लिए इवन शाही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट. हम लोग अभी करेंटली जो है वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ अलायंस हुई है, एंड वी करंटली वी आर ऑफरिंग B2B सर्विसेज. जो हमारे दुकानदार थे कोविड के अंदर, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था टाइम की वजह से कि वो जाके मार्केट से चीज़ें खरीदें, और इवन कंपनीज के लिए भी, क्योंकि सेल्स टीम जो है वो एक सर्टन टारगेट्स जो है अपनी दुकानों के पूरे करने के लिए, तो उसके लिए हमने एक ऑनलाइन पोर्टल जो है उसके साथ अलायंस की है, एंड वी आर ऑफरिंग B2B प्रोडक्ट्स. हाँ, उनके पास ऐप है ऑनलाइन ऑर्डरिंग, एंड विद इन 24 hours जो है उनको उनका स्टॉक जो है डिलीवर हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर स्टिल वर्किंग विद 3 to 4 अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर जो है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, एंड कंज्यूमर्स हैं, उनको जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंस्टेंट डिलीवरीज जो होती हैं, जैसे दे आर कपल ऑफ ब्रांड्स दैट आर वर्किंग, और वो इंस्टेंट डिलीवरीज विद इन 30 to 40 minutes जो है वो मिल जाते हैं आपके ब्रांड्स. तो उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और टू हम लोग उस पर अवेलेबल होंगे. और अच्छा, जो डिफरेंट ब्रांड इस वक्त आपकी ग्रोसरी सप्लाई, बिल्कुल ग्रोसरी सप्लाई सप्लायर्स जो है उनसे हम वी आर इन नेगोशिएशन, और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और टू जो है हम लोग उस पर एंड कंज्यूमर्स के लिए भी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करेंगे. और इनसे हमें ये लगता है कि शाही डिलक्स हो गया, जैसे मेवाजात हो गए या निम्कोज हो गए, दे आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो हमें चाय के साथ खाना है, और आई थिंक ऑफिस में बैठे हैं तो या तो पर्स में 2-3 डालिए, भाई कहीं लंबे सफर पे जा रहे हैं या पिकनिक्स पे जा रहे हैं, तो वी नीड ऑल दीस स्टफ. बिल्कुल, वो मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था, ये हमारी जितनी भी ऑफरिंग्स हैं प्रोडक्ट्स की एंड ब्रांड्स की, तो वो हमारी एक ट्रेडिशंस हैं, हमारी एथनिसिटी है, हमारी हमारी रवायात हैं, कि हम लोग जब मेहमान आ रहे हैं तो हम लोग उसको बड़े तमीज से मेहमान को, हम लोग ने बचपन से, मैंने स्पेशली बिल्कुल देखा है कि जब मेहमान आ रहे हैं तो हम लोग जो है निम्को डिफरेंट आइटम्स के साथ सर्व करते थे. एंड एक छोटा सा बोल होता था जिसके अंदर जो है वो माउथ फ्रेशनर्स जो है वो रखे हुए होते थे. और जब पिकनिक्स पर जा रहे हैं तो हम वी मेक श्योर कि हमारे जो मंचिंग स्नैक्स हैं उसके अंदर निम्को यूज्ड टू बी अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट स्नैक. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे कोई भी ईद इवेंट है या कुछ भी है तो आखिर में शाही डिलक्स या कोई भी इस तरह के माउथ फ्रेशनर जरूर दिए जाते हैं. अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में. तो इस वक्त शाही ग्रुप की क्या क्या एक्सपोर्ट है उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए. देखिए, शाही अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और हम लोग की जो जहाँ पे एथनिक कल्चर जो है आबाद है ऑल ओवर द ग्लोब, वहाँ पे जो है शाही हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स USA, UK, कैनेडा, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया. तो ये सारे एरियाज हैं दुनिया के जहाँ पे हम लोग जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग प्रीटी गुड. ओके, अच्छा, अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़ाहिर है, अगर खाने पीने की बात करते हैं तो हम उसकी फ्रेशनेस की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, वो तो आपने बताया. एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक्सपायरी डेट, कितनी इम्पोर्टेंट है,
और हम इसका ख्याल कितना रखते हैं, स्पेशली हम अगर बात करते हैं निमकोज एंड इसके बारे में और उसकी फ्रेशनेस के बारे में भी मैं चाहूँगी कि किस तरह पैकिंग्स की जाती हैं, क्योंकि आपको पता है निमको हम जिस इन्वायरमेंट में या जिस आबो हवा में हम रहते हैं वहाँ बिस्किट्स और निमको फ़ौरन से नरम हो जाती हैं, तो उस पर किस तरह वर्किंग की जाती है, आपका डिपार्टमेंट किस तरह इसकी क्वालिटी का ख्याल रखता है? देखिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना ही शाही की एक खूबी है। और अगर मैं ये कहूँ कि जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी के होते हैं, सबसे उम्दा क्वालिटी के होते हैं, और जो भी इसकी पैकिंग प्रोसेस होता है वी मेक श्योर वो हाइजेनिक हो, ठीक है, और उसमें जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है पैकिंग के टाइम के ऊपर वी मेक श्योर कि वो मिनिमम हो, ताकि जब पैक सील हो उसके अंदर जो एयर होती है इट कीप्स द प्रोडक्ट फ्रेश, और जब आप पैक खोलें तो वो उसको उसी तरह से ही फ्रेश रखे जैसे उसी वक्त रेडी होके फैक्ट्री में जो है वो स्टॉक आता है, एज इट इज़ जो है वो फ्रेश रहे। तो उसके लिए काफ़ी स्टैंडर्ड्स और काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस का और मशीन्स यूज़ होती हैं, क्योंकि आई गेस पाकिस्तान में वन ऑफ द कंपनी दैट्स यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इन दिस कैटेगरी, शाही इज द वन। कॉल भी लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम, ज़ुबैदा अदीब नॉट नज़ुबान जी। ज़ुबैदा कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है, अंबर बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। औरंगज़ेब। हाँ औरंगज़ेब, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका है और इतना मुंह में पानी भर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस अभी मैं बेटे को ऑफिस से बुला लूं और ये सारी चीजें मंगवा लूं। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि क्या ये सारे बल्ले बल्ले के ब्रांड और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं खाने, तमाम निमको सेंटर में मिल जाएंगे? नहीं, निमको सेंटर में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपको आपके घर के करीबी जो दुकान है, किराना है, जनरल स्टोर है, उधर ये अवेलेबल है। बेकरी में अवेलेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि बेकरी वाले अपना निमको खुद जो है वो पैक करके दे रहे होते हैं, लेकिन आपको आप कि जहाँ रिहाइश होगी उसमें आपको करीबी करीबी जो दुकानें हैं, इवन अगर आपके घर के करीब कोई पान का कैबिन है तो आपको वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो क्या बल्ले बल्ले के नाम से मांगे? बिल्कुल, आप बल्ले बल्ले बोले और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका दुकान वाले को पता होगा कि बल्ले बल्ले ब्रांड क्या है। मैं फिर आज ही, अगर आपने बल्ले बल्ले नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, फौरन आज शाम की चाय के साथ आप बल्ले बल्ले खाओ। निमको की शाम के चाय में, शाम की चाय के साथ मंगवा लीजिए आप। बस चाय तो मैं बहुत कम पीती सिवाय मॉर्निंग के, लेकिन मैं निमको जरूर खाती हूँ 5:30 बजे। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का। हमारी बहुत अच्छी और प्यारी सी लिसनर है और बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं उनके और बहुत मजा आता है इनकी कॉल का, और मैं इनकी कॉल का हर शो में जरूर इंतजार करती हूँ। आप भी रेगुलर कॉलर हैं जी? ये मेरी रेगुलर कॉलर हैं और भी बहुत सारे उनके हेल्थ के क्वेश्चंस भी जब ये उस पर करती हैं तो बहुत अच्छे सवाल करती हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरे हर शो में कॉल करती हैं और बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, जवाब। सरफराज अहमद भी हैं, उन्होंने लिखा है कि शो इज़ वेरी नाइस, आंसर इज़ दाल चना, दाल मूंग, दाल मूंग, और भी बहुत सारे नंबर भी है। और सामिन, आप हमें मैसेज भेजते जाइए, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन कीजिए, इंशाल्लाह आखिर में हम जब शो के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने किसको गिफ्ट्स भेजने। औरंगज़ेब, अगर बात करें मार्केटिंग के बारे में, अवेयरनेस के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो बहुत सारे मीडिया में इस वक्त यूज़ हो रहे हैं, तो शाही की अगर ग्रुप की मैं बात करती हूँ तो अभी सोशल ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हो गया, लेकिन इससे पहले जब मैं देखती हूँ तो मुझे एज सच कोई मार्केट में कोई मीडियम पे शाही नज़र कम आता है, तो इसकी कोई खास वजह है? आप अवेयरनेस या मार्केटिंग के लिए क्या टूल्स इस्तेमाल करते रहे? बहुत एक बड़ी बात होती है कि इन तमाम टूल्स को ना इस्तेमाल करते हुए भी आप अपना ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, तो क्या ऐसा जादू है, किस तरह आपने अपनी मार्केटिंग पर काम किया? देखिए, शाही ने अभी तक कोई मार्केटिंग मीडियम या आई वुड से मीडिया जो है वो ऐसा नहीं छोड़ा कि यूज़ ना किया हो। हमने आउटडोर एक्टिविटीज़, बिलबोर्ड्स भी किए हैं, हमने डिफरेंट ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ भी की हैं, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। एक टाइम था जब ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा जो है उसका इम्पैक्ट था, कंपनीज एंड ब्रांड्स वर डूइंग इट एग्रेसिवली, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा शिफ्ट हुआ एंड टीवी की तरफ आ गए। अब डिफरेंट आई एम प्रीटी श्योर कि इस कैटेगरी के अंदर
शाही के अलावा हार्डली कोई एकाध ब्रांड है जो के अपनी टीवी कैंपेन्स करता है, डिफरेंट टीवी सीज बनाता है, एंड जितना एग्रेसिवली शाही अपने हर ब्रांड को मार्केट करता है थ्रू टीवी एंड डिजिटल, आई गेस कोई दूसरा कोई और दूसरा ब्रांड जो है इस कैटेगरी के अंदर नहीं करता. एंड अब जैसे टीवी पीटीएल का एक टाइम था, टीवी का टाइम भी जो है अब कहीं ना कहीं आपको एक कम होता हुआ नजर आ रहा है. नाउ ब्रांड्स एंड स्पेसिफिकली कंज्यूमर्स आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल, तो आपको एक शिफ्ट जो है वो टीवी से डिजिटल मीडिया की तरफ काफी होता हुआ नजर आएगा. अभी हो रहा है, इट्स इवॉल्विंग, लेकिन कम्प्लीटली नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो है हमारी जो जनरेशन है वी स्टिल लुक अप, जो हमसे पहले जो जनरेशन थी दे स्टिल लुक अप फॉर द न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट फॉर टीवी. लेकिन जो अब हमारी जनरेशन, हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है, अगर उनको कोई न्यूज़ चाहिए, कोई चीज़ देखनी है, तो दे गो फॉर डिजिटल rather than going on TV. तो वो इतनी जल्दी इवॉल्व हो रहा है कि अब नेक्स्ट मीडिया जो है वो डिजिटल ही है, डिजिटल वर्ल्ड इज द नेक्स्ट बिग थिंग. जी अच्छा, और से अगर बात करें किसी भी रिटेल बिजनेस के हिसाब अपने प्रोडक्ट जो सप्लाई देते हैं रिटेल पर, इसकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज जो लिखी है बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इस वक्त ये शो सुन रहे हैं, क्या पता बहुत सारे लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बनना भी चाहें, तो क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि आपकी शाही फैमिली में कोई एंटर होना चाहे, तो इस पर कुछ बताएं. देखें शाही की इट्स एन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के शाही का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल ओवर पाकिस्तान दे अराउंड 600 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान. और बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक हमारी शाही की एक लेगेसी है, लोगों को भरोसा है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लें तो इट गोज़ प्रीटी स्मूथ. और वो हमारे पास इवन डेली हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि दी नीड डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसका एक सर्टन क्राइटेरिया होता है जो कि सेल्स एंड फाइनेंस जो है वो डिसाइड करता है, और उसके बाद जो है उसको हम आगे इफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर दे कैन होल्ड अप दैट ऑल द क्राइटेरिया तो उनको मिल जाती है. आज़म अफसल का सवाल है कि छालिया बंद होने के बाद कंपनी ने कैसे सस्टेन किया, इसका राज बताइए. मुश्किल काम था, लेकिन जैसे आपने खुद भी कहा कि इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा जो है वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी हमारे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कंज्यूमर्स जो हैं वो आप एक चीज़ जो है वो खाते हुए एकदम से छोड़ दें और वो आपके फेवरेट ब्रांड में से हट जाए, तो आप कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी चैलेंज होती है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कंज्यूमर से दे स्टिक टू द ब्रांड, उनको पता था कि क्या डिसीजन ले रहे हैं, किन बेसिस के ऊपर ले रहे हैं. और इवन हमने इसको कंडेम किया था जब गवर्नमेंट आपको कोई चीज़ अलाउ नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली बींग अ वेरी आई वुड से बींग अ गुड सिटीजन एंड फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, शाही ने जो है उस चीज़ को कंडेम करके अपने स्ट्रेट अवे जब बैन हुआ उसके बाद, ऑल दो दे वर डिफरेंट वेज के हम लोग को छालिया मिल जाए, बट कीपिंग इन माइंड एथिकल कल्चर ऑफ द बिजनेस हमने अवॉइड किया. बिल्कुल, आई थिंक औरंगजेब ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त स्टेप था शाही का. आई थिंक आज भी लोग जो छालिया खाते हैं, और जब मैं हेल्थ के शोज़ भी करती हूँ तो मुझे पता है कि किस किस्म की बीमारियाँ, माउथ कैंसर्स और ये तमाम चीज़ें फैल रही हैं. और यकीनन ये हमारे ब्रांड्स का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स में से वो तमाम चीज़ें निकाल दें जो हमारी सेहत जिससे ख़राब होती है. I think this is a great initiative. और इसके बगैर आपका ब्रांड क्यों नहीं बिकेगा जब आप सेहत का ख्याल रखेंगे. और इस वक्त आप यकीन कीजिए कि हम चाहते हैं, दिस इज़ द वे. आप अगर ब्रांड की बात करें तो जैसे हम बाहर के मुल्कों में बात करते हैं तो वहाँ एक कैंपेन चल रही है कि जो जूसेस और ड्रिंक्स हैं उसके अंदर वाइट शुगर कम से कम की जाए, और एक्चुअल शुगर जो जूसेस जो फ्रूट्स की शुगर है उसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर ओबेसिटी ये तमाम चीज़ें आ रही हैं. तो ये ब्रांड्स ही कर सकते हैं जो हमें एडिक्ट यकीनन बनाया, लेकिन हम उनके आदी हो गए. आप उसमें चेंज करती हैं इंग्रेडिएंट्स, तो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ऑलवेज. बिल्कुल, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो किसी भी फूड सेक्टर ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कुछ टाइम के लिए जो है अपना प्रोडक्ट या अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं. वी आर देयर फॉर लास्ट 47 ईयर्स. और हम लोग भी वी वॉन्ट टू कैरी दैट लेगेसी फॉरवर्ड एज वेल. तो वी मेक श्योर कि हम लोग वो चीज़ मार्केट में दें जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो और कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल हो एंड अफोर्डेबल. आखिर के चंद 3-4 मिनट हैं, कॉम्पिटिशन को कैसे देखते हैं? कॉम्पिटिशन को हम इस तरह देखते हैं कि एवरी सिंगल डे एंड एवरी सिंगल मंथ वी गेट अ न्यू कॉम्पिटिशन इन डिफरेंट, क्योंकि हमारी रेंज इतनी बड़ी है कि माउथ फ्रेशनेस के अंदर डिफरेंट वेरियंट्स के जो है डिफरेंट कॉम्पिटिशन वो आते रहते हैं. इन निम्को ऑन द गो कंजम्पशन के अंदर डिफरेंट कॉम्पिटिशन है, फिर हमारे पास एक होम कंजम्पशन है, फिर स्नैक्स है. तो ऑब्वियसली इट्स चैलेंजिंग, बट कीपिंग आर स्टैंडर्ड्स हाई एंड कीपिंग आर क्वालिटी good enough for the consumers, that's the motive or that's the backbone of the Shahi brand jo ke sustain karwati hai hamare brand ko aage and it helps us to grow and compete them more effectively. Thank you so much Aurangzeb, bahut acha laga aapka, aap hamare studio mein aaye. Aur Sameen aapka bhi bahut shukriya. Aur yakeen bahut sare jawab aate hain aur isse andaaza hota hai ki Shahi aur Balle Balle ko kitna pasand kiya jata hai. Aurangzeb aakhir mein kuch kehna chahenge radio ke medium ke bare mein, kaisa laga aapko show pe aakar? I really enjoyed it and मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगा कि एक घंटा किस तरह से गुजर गया. I was hoping कि जल्दी जल्दी गुजरे and surprisingly बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर गया ये, और बिल्कुल भी नहीं पता लगा. and thank you so much for inviting me and रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहिए? रेडियो की अफादियत बिल्कुल, I hope कि in future we plan to do campaigns on radio as well and inshallah inshallah इस सिचुएशन में जो कोविड का है, वी मेक श्योर वी कम आउट ऑफ इट वेरी क्विकली एंड इंशाल्लाह. बिल्कुल सामीन, और आप अपने पसंदीदा ब्रांड्स को अगर सुनना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर मैसेज करके बताएं कि कौन से ब्रांड की कामयाबी का सफ़र आप सुनना चाहते हैं. आपका भी अगर कोई अच्छा सा ब्रांड है जो आपने ख़ुद से बनाया, ख़ुद इनिशिएट लिया है, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम टू माई शो ब्रांड्स अनलिमिटेड. आप हमें फेसबुक पेज पर और वहाँ पर इनबॉक्स मैसेज कीजिए और आप यकीनन हमें मैसेज करके आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे स्टूडियो से लाइव अपनी कामयाबी का सफ़र हासिल कर हम सब से शेयर कर सकते हैं. मैं कुछ कल एक अखबार में कुछ पढ़ रही थी कि कारोबार में कामयाबी के कुछ बेहतरीन उसूल हैं. यकीनन हम सब पढ़ते रहते हैं. मैं चाहूँगी सामीन इस क्लोजिंग पे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि स्टीव जॉब्स के कुछ 7 उसूल थे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमेशा वो करें जो आपको पसंद है. काम में मकसद तलाश करें, सादगी में निफासत है, तख्लीकी सलाहियतों को बरोकार लाइए और सारफीन को नाकाबिले यकीन तजर्बा फराहम कीजिए. कहानी सुनाने के माहिर बने, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, इसमें डिटेल में बात करेंगे. ख्वाब बेचें, प्रोडक्ट्स नहीं, ठीक है? ड्रीम अबाउट दैट प्रोडक्ट और अपना ख्वाब. यकीनन अगर कोई भी ब्रांड आज कामयाब है तो उसके पीछे एक ख्वाब जरूर मौजूद है. तो ख्वाब देखिए, प्रोडक्ट्स नहीं. और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे सामीन एक नए ब्रांड के साथ और एक नए कामयाबी के सफ़र के साथ. अपना बहुत सा ख्याल रखिए, COVID-19 की तमाम SOPs का ख्याल रखिए और वैक्सीन ज़रूर लगाइए. अल्लाह हाफिज़. Thank you so much. Now it's time for Hot News on Hot FM 101.